बोलिए श्री जाहरवीर जी महाराज की जय। श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। आइए भक्तों, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अमर कथा श्री जाहरवीर बाबा की। आइए श्री जाहरवीर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन करते हुए उनकी कथा का गुणगान करते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये कथा आपको अवश्य पसंद आएगी। आइए सुनिए अमर कथा श्री जाहरवीर जी महाराज की। कैसे जन्मे जाहरवीर मिली, कैसे सीरियल रानी रे। कैसे जन्मे जाहरवीर मिली, कैसे सीरियल रानी रे। आज सुनाओ सुनियो भक्तों ऐसी अमर कहानी रे। कैसे जन्मे जाहरवीर मिली, कैसे सीरियल रानी रे। कैसे जन्मे जाहरवीर मिली, कैसे सीरियल रानी। जाहरवीर पैदा हुए कैसे जन्मे जाहरवीर, और कैसे कैसे कष्ट हुए। आज सुनाओ सुनियो भक्तों एक ऐसा इतिहास। चिंता में थे राजा रानी, चिंता थी बस यही खास। भूत नहीं जन्माता कोई, राजा रानी बड़े उदास। चल के पुरोहित से पूछे, चल के पुरोहित से पूछे, रानी बोली ऐसी वाणी रे। कैसे जन्मे जाहरवीर मिली, कैसे सीरियल रानी रे। कैसे जन्मे जाहरवीर मिली, कैसे सीरियल रानी। देवऋषि नारद उनके पास आते हैं। देवऋषि नारद जी को सारी समस्या बताई, और देवऋषि नारद समाधान बता रहे हैं। आगे की कथा श्रवण करिए। दोनों का संकट मिट जाए। बागड़ प्रांत में जब गुरु गोरखनाथ जी जब आए थे, सदियों के सूखे गुलशन पल में ही महकाए थे। सूखा बाग हरा कर दिया, पक्षी भी चहकाए थे।
गुरु गोरखनाथ जी के बाग में आने की खबर दी। रानी बाछल फूली नहीं समाई, गुरु गोरखनाथ जी के लिए भोजन लेकर के बाग में पहुंची। तो गुरु गोरखनाथ जी ने भोजन करने से इनकार कर दिया। रानी कहने लगी, महाराज आप भोजन क्यों नहीं करते? बोले, आप निसंतान हो, बांझ औरत हो, सो हम बांझ औरत के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। रानी बोली, हे नाथ, इसमें मेरी क्या खता है? या तो मैं आपको भोजन करा के जाऊंगी और नहीं तो दिन और रात आपकी सेवा में ही लगी रहूंगी। रानी ने बड़े भाव से गुरु जी की सेवा की। गुरु जी प्रसन्न हुए और कहा, रानी तुम कल आना, हम तुम्हें कल पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। रानी वापस महलों में आती है और खुश होकर के सारी बातें अपनी दासी को बताती है। ये सारी बातें रानी की छोटी बहन काछल सुन लेती है और धोखे से रानी बाछल के वस्त्र पहनकर गुरु गोरखनाथ के पास जाती है और कहती है, प्रभु मैं आ गई, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। गोरखनाथ जी ने दो जौ के दाने माँ काछल को दिए और कहा कि तुम्हारे दो पुत्र होंगे। इतना कहकर गुरुजी अपने चेलों के साथ चल दिए। तो रानी की दासी ने गुरुजी को जाते हुए देखा। दासी ने रानी को बताया कि गुरुजी तो आपको बिना वरदान दिए हुए ही जा रहे हैं। रानी दौड़ी दौड़ी गुरुजी के पास पहुंची और कहने लगी, गुरुदेव मुझे तो आपने वरदान दिया ही नहीं। गुरुदेव ने कहा, अरे बेसवर, वरदान देकर हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, तू कहती है कि हमने वरदान नहीं दिया। बोली, महाराज मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरी बहन मेरे वस्त्र पहनकर आई और आपसे वरदान ले गई। इतनी बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी बोले, ऐसी बात है तो हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें एक ऐसा पराक्रमी पुत्र होगा जो उस धोखेबाज औरत के दोनों पुत्रों का वध करेगा। आगे की कथा सुनिएगा किस तरह से। वीर बलकारी पुत्र भी बलवान दिया, बागड़ प्रांत को फिर बड़ा अनोखा सम्मान दिया। युवा हुए जब जाहर वीर एक दिन ऐसा आया, हरा भरा जब बाग देखा सपने में वो नजर आया। बाग में थी राजकुमारी जाहर का फिर दिल आया। कह सपने की बात बात से, कह सपने की बात बात से फिर चलन की ठानी रे। कैसे जन्मे जाहर वीर मिले, कैसे सीरियल रानी रे। कैसे जन्मे जाहर वीर मिले, कैसे सीरियल वाला बाग देख के मन ही मन में वो हर साय घोड़ा बांध के लेट गए। नींद गई जाहर को आए, सखियों के संग राजकुमारी बागों में फिर आई थी। जाहर वीर को सोते देखा, सूरत देख लुभाई थी। किस राजा का राजकुमार, अरे सूरत मन को भाई थी। उठ जाग मुसाफिर मुझे बता दे, जाग मुसाफिर मुझे बता दे कित तेरी रजधानी रे। कैसे जन्मे जहर वीर
श्री अल रानी रे, कैसे जन्मे जहर वीर मिली, कैसे श्री अल रानी रे। कुमारी बनूंगा सुहाग तेरा, तुझको ब्याह कर ले जाऊंगी, सर पे आज बांध सहरा। तेरी सूरत लख परदेसी, भाग मेरे जाग उठे, बागों में कोयल कूके और मीठे मीठे राग उठे। दिल का दूर अंधेरा हो गया, दिल के जल चिराग उठे। बाकी तेरा साथ सफल हो, बाकी तेरा साथ सफल हो, मेरी भी जिंदगानी रे। कैसे जन्मे जहर वीर मिली, कैसे श्री अल रानी रे। कैसे जन्मे जहर वीर मिली, कैसे श्री अल रानी रे। बताती है और सीरियल की माँ ने सीरियल के पिता से ये बात कही। सीरियल के पिताजी थे राजा संध्या सिंह। जब उन्होंने ये बात सुनी तो क्रोधित होकर कहने लगे कि उनके साथ तो हमारी पुरानी दुश्मनी है और ये विवाह कभी नहीं हो सकता। ये बात जब सीरियल ने सुनी तो बड़ी दुखी हुई और जाहर वीर को एक संदेश भेजते हैं। संदेश को पढ़कर जाहर वीर जी गुरु गोरखनाथ जी के पास गए और सारी बातें सुना दी। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने एक शिष्य को आदेश दिया कि तुम राजा संध्या सिंह के पास जाओ और वहां जाकर अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित समझो वैसा करना। तो गुरु गोरखनाथ जी का वो शिष्य राजा संध्या सिंह के पास पहुंचकर ताकी नाग का रूप धारण कर लेता है और रानी सीरियल को डस लेता है। रानी सीरियल बेहोश हो जाती है और उन्हें दरबार में लाया जाता है। बड़े बड़े वैद्य और तांत्रिकों को बुलाया गया लेकिन कोई उन्हें ठीक नहीं कर पाया। अंत में गुरु गोरखनाथ जी का वह शिष्य दरबार में पहुंचा और कहने लगा, राजकुमारी को मैं ठीक कर सकता हूं, मगर एक शर्त है। राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है लेकिन तुम्हें राजकुमारी को ठीक करना होगा। तो उसने कहा कि राजकुमारी की शादी दत्तरेवा के राजकुमार जहरवीर के साथ करनी होगी। तो राजा संध्या सिंह ने कहा कि हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो उसने नाग का रूप धारण किया और सारा जहर चूस लिया। रानी स्वस्थ हो गई, राजकुमारी स्वस्थ हो गई। फिर राजा संध्या सिंह ने ददरेवा में संदेश पहुंचाया। संदेश जहरवीर जी को मिला। बारात की तैयारी की गई लेकिन इतनी दूर से बारात में जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो फिर गुरु गोरखनाथ जी के पास जहरवीर गए। गुरु गोरखनाथ जी ने सभी को आदेश दिया। बारात गई, शादी संपन्न हुई और जहरवीर जी सीरियल को लेकर के ददरेवा पहुंच गए। आगे की कथा श्रवण कीजिए। माता बाछल दोनों को देखकर के बड़ी प्रसन्न होती है। उधर जाहर वीर जी की मौसी काछल के दो पुत्र थे, अर्जुन और सर्जन। बंटवारे को लेकर के जाहर वीर जी के ऊपर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ
और जाहर वीर जी ने अर्जन सर्जन दोनों के सर काट लिए। सुनिए आगे की तरह किस प्रकार। जाहर की मौसी का छलने अर्जन सर्जन जाए थे, बंटवारे की खातिर दोनों युद्ध करन को आए थे। दोनों के सर काट जाहर ने माता को दिखलाए थे। शीश कटे देखे बाछल ने क्रोध में गई थी आए। बेटों के बिन बहना काछल रही होगी रे डकराए। मेरे आगे से चाल्या जा देखना भी चाहती ना। बतइयो मेरा कहूँ तुझे मैं समझाए। भेद जो बताया तूने रानी तू पछतावेगी। महलों बीच फेर मुझे देख भी ना पावेगी। दुख भरे दिन रानी कैसे तू बितावेगी। बैठी श्रृंगार कर रही थी, अचानक बाछल आ जाती है और कहती है जब मेरा पुत्र इस महल में नहीं है रितु फिर किसके लिए श्रृंगार करती है। सीरियल कहती है माता जी वो तो हर रोज मुझसे मिलने आते हैं, अगर विश्वास ना हो तो आज मैं आपको आते हुए तो नहीं लेकिन जाते हुए आपको अवश्य दिखा दूंगी। तो रात को जिस समय जाहर आए और जिस समय जाने लगे तो माँ बाछल बेटे के पीछे, बेटा बेटा मत जा मुझे छोड़कर, और पीछे पीछे रानी सीरियल विलाप करते हुए दौड़ रही है। आगे की कथा श्रवण करिए किस प्रकार। बैठी भाग मेरे फूट गए। माला से बिखर के मोती गिरते ही टूट गए। आगे आगे बढ़ते जावे पीछे ना मुड़ पाए थे। जाहर बाबा घोड़े सहित भूमि में समाए थे। सास बहु रोवे कैसे करम लिखाए थे। आज तलक उस मालिक की, आज तलक ना उस मालिक की लीला किसी ने जानी रे। कैसे जन्मे जहर वीर मिले, कैसे सीरियल रानी रे। कैसे जन्मे जहर वीर मिले, कैसे सीरियल रानी रे।
गई, दया करो अब साईं जी। गोरखनाथ ने फिर उनको एक बात बतलाई जी, तारी पाताल लोक वहीं पे जावास किए। इतनी सुन के सास बहू दोनों ने प्राण त्याग दिए। सीरियल रानी रे कैसे जन्मे जहर वीर मिल, कैसे सीरियल रानी रे कैसे जन्मे जहर वीर मिल, कैसे सीरियल रानी रे। बोलिए श्री जहर वीर जी महाराज की जय, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की।